एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण पर दिए बयान को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने उनके खिलाफ दिल्ली के 3 पुलिस थानों में शिकायत दर्ज कराई है। अपने बयान में राहुल ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली में 30 शिकायत दर्ज कराई है। पंजाबी बाग, तिलक नगर और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। राहुल गांधी के एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण पर दिए बयान के खिलाफ बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष मोहन लाल, सिख प्रकोष्ठ और एसटी प्रकोष्ठ के सीएल मीना ने ये शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान दिया था जिस पर विवाद हो गया था। अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा था कि जब भारत एक निष्पक्ष जगह बन जाएगा तो कांग्रेस आरक्षण खत्म करने पर विचार करेगी। राहुल गांधी ने कहा था कि भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। भारत में 90% आबादी दलित, पिछड़ों और आदिवासियों की है जो खेल में शामिल ही नहीं है। उन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना ये जानने का प्रयास है कि निचली पिछड़ी जातियों और दलितों को व्यवस्था में कैसे एकीकृत किया जाएगा। भारत के 200 व्यवसायों में से देश की 90% आबादी का कोई स्वामित्व नहीं है। शीर्ष अदालतों में भी इनकी कोई भागीदारी नहीं है। मीडिया में भी निचली जातियों की कोई भागीदारी नहीं है। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के पीछे की वजह बताते हुए कहा कि हम ये समझना चाहते हैं कि पिछड़ों और दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। हम भारतीय संस्थानों को भी देखना चाहते हैं ताकि इन संस्थानों में भारत की भागीदारी का अंदाजा लगाया जा सके। अब इन शिकायतों के मामले में प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे।